ये नया रेलवे स्टेशन का पुल है और ये पुराना है। ये हमारा क्यूल नदी है और वैसे तो ये इधर दक्षिण दिशा है और इस साइड उत्तर है और ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश हुई कि इस बार ये दक्षिण की तरफ बह रही है। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा एंड विशाल ब्लॉग्स, और हम लोग लेके आए हैं ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो गाइज, ये लोकेशन सारा पीछे देख करके तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल रेलवे स्टेशन पे हूँ, अपने लखीसराय के रेलवे स्टेशन पे। आज यहाँ आया हूँ, मेरी सिस्टर आने वाली है, मुझसे जो बड़ी है वो सिस्टर आने वाली है, उनको रिसीव करने के लिए आया हुआ हूँ। और अभी ट्रेन आने में थोड़ी टाइम है, तो जब तक मैं यहाँ का व्यू थोड़ा दिखाता हूँ आपको। पहले हम लोग का पुराना रेलवे स्टेशन था लखीसराय का, आप देख सकते हैं, और ये इधर नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसी पे अभी सारी ट्रेनें आती हैं। और ये तो अभी बंद पड़ा है, इस पे ट्रेन आना बंद हो गया है, जंग भी लग गया पटरी पे। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये नया रेलवे स्टेशन का पुल है, इस पे अभी सारी ट्रेनें आती जाती है, ये बिल्कुल नया बना है और ये पुराना है जिसे तोड़ा जा रहा है। ये हमारा क्यूल नदी है और वैसे तो ये इधर दक्षिण दिशा है और इस साइड उत्तर है और ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश हुई कि इस बार ये दक्षिण की तरफ बह रही है, क्योंकि गंगा जी का पानी इस नदी में बहुत ज़्यादा आ गया है और ये इधर बह रही है। और मैं पुल पे ऐसा खड़ा हूँ तो लग रहा है कि पुल ही हिल रहा है, मैं बता नहीं सकता, बहुत अजीब सा लग रहा है। और वो देखिए, एक मंदिर है, ये वाला मंदिर, ये बड़ी दुर्गा स्थान है यहाँ लखीसराय का, यहीं पे हमारा घर है। और ये पहाड़ जो आपको दिख रहा होगा इस लोकेशन पे, यहाँ पे बुद्ध भगवान की स्मृतियाँ हैं, इसका भी हम लोग आपको कभी दिखाएंगे अपने ब्लॉगिंग में। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, आप देख सकते हैं सारा व्यू। अभी दीदी लोग आ चुकी है, हम लोग सो गए थे, मतलब सब सो गया था, दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ था तो सब थक गए थे, ट्रेन में बहुत ज़्यादा राखी के कारण भीड़ हो रहा था तो सब सो गए थे। और अभी सब उठे हैं तो अभी छत पर आए हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए। तो ये है सबसे छोटी दीदी, आपका नाम? नाम सनी जसवाल। और क्या आ रहा है यहाँ, हमको परेशान कर रही है। हाय, क्या आ रहा है? से हाय, हाय करो, हाय करो, हाय। क्या आ रहा है को ना हर वीडियो में आना होता है और ओडियो वहाँ हवा में घूम रहा है, कब उसका सुसु पॉटी निकलेगा कोई ठीक नहीं है। निकलेगा सुसु नहीं, निकलेगा सुसु नहीं, निकलेगा। ओडियो हाय करो, हाय। और जीजा जी जा चुके हैं, दीदी है, अभी कल राखी है तो उसके लिए ही आई है। किसको बांधेगी राखी? ओड़ी यहाँ पे मजा ले रहा है घूमने का। ओरियो शेक हैंड, शेक हैंड, शेक हैंड करो, शेक हैंड करो, ओरियो, ओरियो, ओरियो शेक हैंड करो, शेक हैंड करो, शेक हैंड करो। और बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? क्या तो बहुत गर्मी लग रहा है। हाँ गर्मी तो है ही। अरे कभी तो बड़ा सोच भाई, क्या आ रहा? भी राखी बांधेंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे, है ना? क्या रहा?
करेंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे। और कियारा तो जब से आई है तब से डांस किए जा रही है, डांस किए जा रही है और गाना भी गा रही है। कियारा गाना गा दो, गाना गाओ। कियारा गाना भी सुना रही है बुआ को। कैसे गाते हैं कियारा, गाओ। ये देखो ओरियो, ओरियो ओरियो की शैतानी। चलो, यह है डुगू दीदी का बेटा और ये है कियारा मेरी बेटी। अभी ओरियो से दोस्ती कर रही है। ओए डुगू, ओरियो से दोस्ती कर रहा है। ओरियो के आंख में बल्ब जल रहा है, वाइट वाइट। हाँ, और कियारा का भी चमक रहा है। कियारा तो अपना डांस कर रही है। ओरियो खेल रहा है नेहा के साथ। भौंक क्यों रहा है ओरियो? वाय। और ये है शिवानी। शिवानी इधर आओ। डर गई ओरियो से। मम्मी 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 बचाएगी तुमको, मम्मी बचाएगी। डर रही है। जाओ ओरियो, काटो जल्दी काटो। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। सुबह तो तुम खेल रही थी, भाग गई नीचे। खाना क्या खाएगी सोने दे? कुछ भी बना दो, सब चलेगा। कुछ भी क्या बना दे? कुछ भी कुछ भी कुछ भी। मैं तो सुबह तो हैवी खाना हो ही गया है, अभी सादा खाना रोटी। सुबह में छोला भटूरा बनाई थी नेहा। छोला भटूरा और वो झींगा का सब्जी और वो भी आलू का भुजिया और भी बहुत कुछ था। और क्या था, एक चीज और थी। दीदी